सो व्हाट्स अप है गाइस, आई एम आरएन रेड। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं होली का फोटो एडिटिंग। सो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो कर दो लाइक। और गाइस इस चैनल पर नया आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाता रहेगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद ये वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। और गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से इजिली डाउनलोड कर लेना। और अब हम लोग इस बैकग्राउंड को लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड करेंगे। सो हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से अपने ऐड फोटो पर और गाइस अपना कटआउट फोटो को लेकर आएंगे। सो यहाँ से चलते हैं ऐड फोटो पर और यहाँ से हम लोग लेते हैं अपना कटआउट फोटो। सो गाइस मैंने इसका कटआउट पहले ही कर रखा है, सो अभी तक आप कटआउट का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको आई बटन पर शो करा होगा। सो गाइस हम लोग बैकग्राउंड ऐसे रखने के बाद हम लोग सिंपली अपना फोटो को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना है गाइस। सो मैं यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देना है। सो गाइस मैंने इस फोटो को पहले क्लिक करवाया था गाइस, पहले से मेरे फेस पे कलर लगा हुआ है। आप अपना ऐसा फोटो एडिटिंग करना तो आप कलर लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर कलर लगाओगे तो और बेस्ट लगेगा। सो गाइस हम लोग अपना फोटो ऐड करने के बाद सिंपली हम लोग चलेंगे यहाँ से वापस ऐड फोटो पर और गाइस हम लोग लेकर आएंगे अपना एक पीएनजी। सो हमारा ये कलर स्मोक का पीएनजी गाइस, हम लोग सिंपली यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका और गाइस यहाँ पर ये परफेक्ट लग रहा, उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। और गाइस डन करने के बाद हम लोग सिंपली वापस चलेंगे ऐड फोटो पर और ऐड फोटो पर जाने के बाद हम लोग लेकर आएंगे अपना एक पीएनजी। सो हम लोग यहाँ से सिंपली ये वाले पीएनजी को यहाँ से ऐड कर लेते हैं और गाइस हम लोग सिंपली ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे हमारे बॉडी पर रह गाइस, और हम लोग इसको पहले फिट कर लेंगे, उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड कर लेंगे ओवरले ताकि ये रियल लगे। सो सिंपली हम लोग इसको ओवरले कर लेते हैं यहाँ से। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये परफेक्ट लग रहा है। हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर रहना है ऐसे, अपने बॉडी पर रखना है, अपने टी शर्ट पर रखना है। सो हम लोग यहाँ से रख देते हैं इसको और सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। और उसके बाद अब हम लोग लेकर आएंगे एक और पेन जो हमारा हमारे फेस पर रहेगा और हमारे बाल पर रहेगा। सो हम लोग वापस चलते हैं ऐड फोटो पर और लेकर आते हैं अपना ये सेकंड पेन जी और सिंपली हम लोग यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद गाइस हम लोग सिंपली ऐसे इसको यहाँ पर रखेंगे और ये देख सकते हो हमारे फेस पे पड़ गया और हमारे ये नोज़ पे पड़ गया गाइज और हमारे हेयर पे पड़ गया। सो सिंपली हम लोग यहाँ से इसको टैप करेंगे और वापस चलेंगे हम लोग ब्लेंडिंग मोड पे और इसको कर लेंगे ओवरले। सो सिंपली हम लोग यहाँ से ओवरले कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद गाइज आपको जहाँ जहाँ इरेज करना है आप वहाँ से ईजिली आप इरेज कर लेना अपने हिसाब से। सो हम यहाँ पर इतना रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। और डन करने के बाद गाइज अब हम लोग लेकर आएंगे अपने एक और पेनजी। सो हम लोग पार्टिकल्स का पेन लेकर आएंगे। सो हम लोग यहाँ से ऐड फोटो पर चलते हैं और गाइज हम लोग लेकर आते हैं ये वाला अपना पीएनजी और यहाँ से ऐड कर लेंगे सिंपली। और ऐड करने के बाद हम लोग जस्ट अपने मॉडल के साइड साइड में लगाना है इसको। सो हम लोग इस देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे लगा दिया और गाइज हम लोग यहाँ से इसको डन कर देना है। सो यहाँ पर ये परफेक्ट है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे यहाँ से ऐड फोटो पर और गाइज एक और पीएनजी लेकर आएंगे। सो हमारा ये भी पार्टिकल्स का पीएनजी है। सो सिंपली हम लोग यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद गाइज हम लोग इसको ऊपर साइड रखना है ताकि लगे कि ऊपर से कोई कलर हमारे ऊपर फेंक रहा है। सो गाइस हम लोग इसको रियल तरीके से बनाना है ताकि ये लगे कि रियल है और इसको एडजस्ट कर देना है और सिंपली हम लोग ऐसा डन कर देना है। और डन करने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली चलेंगे यहाँ से वापस ऐड फोटो पर और लेकर आएंगे अपना ये होली टेक्स्ट का पीएनजी और सिंपली हम लोग ऊपर ऐसे लगा देंगे, ऐसे एडजस्ट कर देंगे। और गाइस एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसको ब्लेंडिंग मोड पर कर देना है स्क्रीन। सो हम लोग ब्लेंडिंग मोड पर चलते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से स्क्रीन। सो ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर ये इतना परफेक्ट हो चुका। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से ऐड फोटो पर और ऐड फोटो पर जाने के बाद हम लोग एक और पीएनजी अपन लेकर आएंगे। सो हमारा ये रहा पीएनजी, ये जो बॉयज़ का पीएनजी ब्लर किया है गाइस मैंने इसको। सो सिंपली हम लोग इसको ऐसे लगा देंगे यहाँ पर ताकि लगे कि हमारे ऊपर कोई कलर फेंक रहा। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देंगे और गाइस यहाँ पर ये इतना परफेक्ट हो चुका। उसके बाद गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे सेव और यहाँ से चलते हैं ड्रॉ टूल पर और सिंपली हम लोग यहाँ से थ्री डॉट पे जाकर यहाँ से कर लेंगे सेव। और सेव करने के बाद हम लोग करेंगे इसको कलर ग्रेडिंग, वो करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सर गाइज हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर और गाइज हम लोग करेंगे इसको कलर ग्रेडिंग। सो गाइज यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना गाइज, यहाँ पर आप बहुत कुछ करने वाले हो और बहुत कुछ सीखने वाले हो गाइज। अगर आप अपने फोटो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग नहीं करते हो तो गाइज आपका फोटो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। सो हम लोग यहाँ से करते हैं इसको लाइट को पहले एडजस्ट। सो चलते हैं यहाँ से लाइट एडजस्टमेंट टूल पर और गाइज हम लोग सिंपली कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है। सो हम लोग कंट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं। सो हम यहाँ से 10 कर देते हैं गाइज और इसके हाईलाइट को गाइज हम लोग माइनस तरफ कर देना है। सो इसको करता हूँ गाइज -51 और शैडो गाइज बढ़ा लेना है। सो शैडो को मैं यहाँ से रखता हूँ इतना
और गाइज वाइट को थोड़ा सा माइनस सेट कर लेना है, सो इतना परफेक्ट है। और ब्लैक को गाइज थोड़ा सा प्लस तरफ कर देना है, सो प्लस टू सही है। और गाइज इतना होने के बाद अब हम लोग चलेंगे यहाँ से ये कलर टूल पे, और गाइज हम लोग यहाँ पे इसके वाइट बैलेंस को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, सो इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा प्लस ऐड करते हैं, सो इतना परफेक्ट है। और उसके बाद इसके टेंट को थोड़ा सा माइनस ऐड करते हैं, तो गाइज इतना सही है। और उसके बाद इसके वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है, सो इसके वाइब्रेंस को गाइज मैं करता हूँ 50 प्लस, परफेक्ट है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ से ये कलर मिक्सर टूल पर, और इसके ही को थोड़ा सा माइनस ऐड करना है, सो -6 परफेक्ट है। और इसके सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, सो इसके सैचुरेशन गाइज कर देता हूँ मैं 35 परफेक्ट है। और इसके लुमिनस को थोड़ा सा माइनस ऐड कर देना है, सो इतना सही है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ से ये येलो टोन पर, और गाइज इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है, सो इतना परफेक्ट है। और इतना होने के बाद गाइज हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ये येलो टोन पर, और गाइज जो हमारा इसमें कलर दिख रहा है सिर्फ हम लोग उसी को पॉप करेंगे, थोड़ा सा सैचुरेटेड करेंगे ताकि इस हमारा कलर खिल के आए और हम लोग को सामने से दिखे। सो हम लोग सिर्फ सैचुरेशन को बढ़ाना है और थोड़ा छेड़छाड़ करना है, येलो टोन का सैचुरेशन सिंपली हम लोग बढ़ा लेना है। सो हम लोग इसका सैचुरेशन को रखते हैं इतना, परफेक्ट है। उसके बाद गाइज हम लोग चलते हैं यहाँ से सिंपली ये ग्रीन टोन पर, और गाइज इसके ही को थोड़ा सा हम लोग माइनस ऐड करना है, सो हम लोग इसको इतना माइनस ऐड रखते हैं और सैचुरेशन को बढ़ाकर कर लेते हैं गाइज हम लोग 36, परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से स्काई ब्लू टोन पर, और इसके सैचुरेशन को हम लोग बढ़ा लेना है, सो हम लोग सैचुरेशन करते हैं 21, सो इतना सही है और हम लोग कुछ इसमें छेड़ना नहीं है। और गाइज इसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ये ब्लू टोन पर, और इसके ही को हम लोग करना है माइनस तरफ, सो हम लोग -50 में रखते हैं, और इसके सैचुरेशन को भी माइनस तरफ करते हैं, सो इसके सैचुरेशन को रखते हैं -25, और लुमिनस को गाइस हम लोग करना है माइनस तरफ, सो -25 इसको भी रखते गाइस, सो इतना यहाँ पर ये परफेक्ट लग रहा। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऐसे इसमें पर्पल टोन पर, और गाइस इसके सैचुरेशन को हम लोग करना है माइनस तरफ, सो इसके सैचुरेशन को हम लोग रखते हैं माइनस तरफ। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ये पिंक टोन पर, और गाइस इसके ह्यू को हम लोग रखना है माइनस तरफ, सो -19 परफेक्ट है। और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, सो हम लोग रखते हैं इसको इतना, सही है गाइस। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा कलर पॉप हो चुका है गाइस। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ये कलर ग्रेडिंग टूल पर, और गाइस अभी तक आपको कलर ग्रेडिंग टूल यूज़ करना नहीं आया तो गाइस मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा गाइस, आपको सारा कुछ बताया कि आपको यूज़ कैसे करना है, सो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से इजीली देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे आई बटन पे भी शो कर रहा होगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। सो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ से हाईलाइट पर, और यहाँ से जस्ट हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे, और गाइस यहाँ से ये वाले बटन को टैप कर लेंगे, और गाइस हम लोग सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, सो हम लोग इसको इतना रखते हैं। और गाइस हम लोग ह्यू को अब बढ़ाना है, सो हम लोग देखेंगे कहाँ पर हमारा परफेक्ट लग रहा है। हमारे जो फोटो में सबसे ज़्यादा जो कलर दिख रहा है गाइस हाईलाइट वाला, हम लोग उसी पर लेकर चलेंगे। सो हमारे फोटो में सबसे ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, सो हम लोग इसको ग्रीन तरफ लेकर चलेंगे, सो हम लोग यहाँ पर रखते हैं इसको, सो परफेक्ट है। और इसके बाद हम गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ से ये शैडो पर, और शैडो पर आने के बाद हम लोग सिंपली इसको भी सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, सो सैचुरेशन को हम लोग कर लेते हैं इतना। और गाइस सैचुरेशन बढ़ाने के बाद हम लोग सिंपली ह्यू को बढ़ाएंगे, सो हम लोग ह्यू को रखते हैं इतना ताकि हमारे ओवरऑल फोटो पे सारा शैडो पड़ जाए, सो हम लोग इसको इतना रखते हैं। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो हम लोग इसको यहाँ से रहने देते हैं और सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देते हैं। और गाइस इतना होने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से इफेक्ट टूल पर, और गाइस सिंपली हम लोग क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, सो क्लियरिटी को हम लोग को रखना है गाइस 23, और गाइस बिगनेट को थोड़ा सा कम करना है, सो हम लोग इसको इतना रखते हैं, सो परफेक्ट है। और उसके बाद गाइस ग्रेन्स को हम लोग बढ़ाना है, सो ग्रेन्स रखते हैं हम लोग 20, सो परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से डिटेल टूल पर, और गाइस हम लोग शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, सो हम लोग शार्पनिंग को रखते हैं 44, परफेक्ट है। उसके बाद गाइस हम लोग थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, सो 10 कर लेते हैं, और गाइस यहाँ पर ये परफेक्ट हो चुका। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से लाइट एडजस्टमेंट टूल पर, और गाइस हम लोग इसमें थोड़ा सा कर्व को ऐड करेंगे, सो हम लोग चलते हैं यहाँ से कर्व पे, और गाइस हम लोग सिंपली यहाँ से एस कर्व बनाना है, सो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और सिंपली हम लोग इसको एस कर्व बनाने के बाद गाइस हम लोग सिंपली इसको थोड़ा सा उठा लेंगे ऐसे ऊपर तरफ, और इसको हम लोग सेंटर में रखेंगे गाइस ऐसे, और ये वाले कर्व को थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेंगे, सो यहाँ पर ये परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं यहाँ से ये ब्लू वाले कर्व पे, और सिंपली हम लोग हाईलाइट वाले पार्ट को थोड़ा सा डाउन कर लेना है, सो हम लोग इसको डाउन कर लेते हैं इतना, सो यहाँ पर इतना रख देते हैं, और उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर काफ़ी कलर ग्रेडिंग अच्छा हो चुका गाइस। सो जाओ आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करो, और गाइस इंस्टा पर अपलोड करो, और मुझे टैग जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।